फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है हाइड्रोलिक डैम, जो कि किट फॉर्म में है। इस वीडियो का बहुत रिक्वायरमेंट आ रही थी आप लोग से कि ये किट फॉर्म में बनाइए, और आप लोग ऑर्डर भी कर रहे हो, तो ये इसलिए हमने इसको किट फॉर्म में बनाया है। इसका DIY वीडियो आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसके लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि आप देख सकते हो कि कैसे इसको बनाया हमने और आप लोग कैसे इसी तरीके से बना सकते हो। इस मॉडल को भी आप देख सकते हो, इससे मॉडल में आपको हेल्प मिल जाएगा कि आप लोग कैसे ऐसे इसी तरीके से बना सकते हो। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो जो डिस्प्ले पर नंबर शो हो रही है उस पर आप कॉल कर सकते हो, वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉल पर या फ़ोन कॉल पर, दोनों में से किसी भी नंबर पर तो आप ऑर्डर कर सकते हो। और तो वीडियो में बने रहिए, हम आगे स्टार्ट करते हैं कि आपको इस किट फॉर्म में जो है बना हुआ प्रोजेक्ट है, इस किट को कैसे असेंबल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए फिर आप। हाँ तो फ्रेंड, देख रहे हो कि जो ये मॉडल आपको मिलेगा, मॉडल इस तरह का बॉक्स जो है एक कैसी आपको गत्ते में कार्टून में पैक मिलेगा, जब आप खोलने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। तो इसको जब आप खोलोगे तो इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स, एक पार्ट हमारा इधर है जिसके अंदर सेल होल्डर लगा हुआ है, सेल है, और हमारा एक ये देख रहे हो फीमेल मेल कनेक्टर है, फीमेल इसके अंदर होगा हमारा जो लाइट कनेक्शन पास करने के लिए। बाकी सारे सामान इसमें मिलेंगे आपको, हाउस मिलेंगे, बिल्डिंग मिलेगा, डैम का स्ट्रक्चर मिलेगा, पावर स्टेशन का हमारा मिल गया, टर्बाइन हमारा है, ठीक है, और जो आर्टिफिशियल ट्री एंड ग्रास हो गए, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको इसके बॉक्स के अंदर ही मिलेंगे आपको। और ये दो नट बोल्ट है, जो दो नट बोल्ट को साथ आप इस बेस को टाइट करेंगे तो दो नट बोल्ट की सहायता से, और बाकी मैं सारा सामान साइड रखना। पहले हम बेस आपको एक बेस तैयार कर देते हैं। बेस तैयार रहा, बेस में आपको दो हॉल मिलेगी यहाँ पे और दो हॉल मिलेगी आपको यहाँ पे। तो दोनों बेस को आपने ऐसे कनेक्ट करनी है, ऐसे आप देख रहे हैं कि सड़क भी हमारा मैच कर रहा है, सड़क भी मैच हो गया। तो ये दोनों बेस को हमने ऐसे करनी है, इसको करके हम आपको दिखाते हैं। तो फिर देख रहे हैं कि हमने ये दोनों नट बोल्ट टाइट कर दिया। आप कोई प्लास्टिक टाइट कर सकते हो ताकि वो ज़्यादा टाइट हो सके, मैंने अभी हाथ से कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं हाथ से करने पे। और उसके बाद ये कनेक्टर लगा हुआ है, ये सेल होल्डर लगा हुआ है, आपने ये वैसे ये कनेक्टर जो है कनेक्टर ये कनेक्ट करनी है इसमें, ऐसे कनेक्ट हो गया, मतलब इस पावर से हमारे इधर करंट जाने लगा। एक कनेक्टर आपने टर्बाइन में है, टर्बाइन का जो ये मेल ये इसके साथ कनेक्ट करनी है। मैं ये भी अभी कर देता हूँ ताकि हमारा बेस को दोबारा पलटना ना पड़े। ये अपने इस हॉल से बाहर निकालना है इसको, ठीक है, बाहर निकाल के और इसमें ऐसा कनेक्ट कर दो आप, ताकि आपका ये अंदर का सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम बेस को सीधा कर लेते हैं, ये हमारा बेस हो गया, टर्बाइन यहाँ पे है, टर्बाइन के अंदर हमारा सारा सिस्टम लगा हुआ है। आप देख रहे हैं लाइट ये जल बुझ रही है, अभी आपको दिख रही होगी, ये देखिए, ठीक है। तो ये टर्बाइन यहाँ पे, बाकी जो ये आपका स्ट्रॉ जो ग्रे हुए हैं स्ट्रीट लाइट, ये हॉल में बस ऐसे आपने ऐसे डालना है, और बाद में आपको एक फेविकॉल मिलेगी साथ में, फेविकॉल आपने इसमें डालना है ताकि ये टाइट हो जाएगा। कुछ देर आप छोड़ देंगे ये टाइट हो जाएगा इजीली। तो ये हॉल बस हमने ऐसे डाल दिया, आप देख रहे हो ये हमारा सारा खंभे खड़े हो चुके हैं जो स्ट्रीट लाइट है। अब इसमें आप फेविकॉल डाल के इसको टाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे कुछ बिल्डिंग हैं जो हट हैं, जैसे कि ये इस तरह फोल्ड मिलेगा, इसको ऐसे खोलना आपने और ये ऐसे ऐसे रख सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल ईजी टू असेंबल है, ये है, ये हमारा ये ऐसे आ गया। घर को चेंज कर सकते हो आप जैसे आपको ठीक लगे, ये वाला यहाँ रखना, ये वाला यहाँ रखना, अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे ऑप्शन। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ इस जगह लंबे लंबे, और एक छोटे से जो हाउस है हम एक यहाँ रखते थे, और एक हम ये हट है जो कि मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और पावर हाउस हमारा है, पावर हाउस ईयर, पावर हाउस यहाँ पे आप फेविकॉल से यहाँ पे सेट कर सकते हो। और इसके जो रूफ है, रूफ आपको ये देखिए, ये रूफ जो झोपड़ी के रूफ हैं, जो हट के रूफ हैं, इस तरह हम मिलेंगे, जिसको आपने इस तरह ऐसे सेट करना फेविकॉल से, जो फेविकॉल आपको मिलेंगे साथ में फेविकॉल से ऐसे, और इसको आपने ऐसे, और जो हमारा बिल्डिंग है उसके स्ट्रेट है उसको हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। इजली आप लोग इसको इजी वे में कर सकते हो, बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लास्ट में हम आपको डैम करके दिखाएंगे। और अब रहे डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए हमारे पास कुछ ग्रास हैं, ग्रास ट्री, और ग्रास ट्री को बस ये जो निकले हुए हैं थोड़े से पॉइंट, और यहाँ पे हॉल किया हुआ सभी में, तो बस हॉल में डालना है, और बाद में आप इसमें फेविकॉल डाल सकते हो। तो बस ये है, सिंपल है, इस तरह आप प्लग करते रहिए और आपका जल्दी से जल्दी मॉडल बन जाएगा तुरंत।
हम देख रहे हैं बिल्कुल ही टाइम नहीं लग रहा है। यहाँ मॉडल हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, बाकी वर्किंग तो हो ही रखा है, इसमें बस हमें डैम को असेंबल करना है। आप डैम को असेंबल करके उसके बाद हम इसको पानी से टर्बाइन से चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे सर। स्ट्रीट लाइट अभी थोड़ा सा टेढ़े हैं, आपको दिख रहे नहीं, टेढ़े दिख रहे होंगे, वो सीधे हो जाएंगे जब आप फेविकॉल डालोगे इसमें। अभी तो हमारा किट फॉर्म में है, अभी हम इसको ऐसे आपको बता रहे हैं कि आपने ऐसे असेंबल करना है। आपके पास जब पहुंचेगा तो आप इससे फेविकॉल डाल के फिक्स कर सकते हैं। अब कुछ टॉय मिलेंगे आपको, जो टॉय है सड़क के ऊपर लगाने के लिए, बस डेकोरेशन के लिए, आपको देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो ये हमारे बाइक भी है, इसको ऊपर ऐसे रख सकते हो, फेविकॉल से सेट कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे ले जाइए और दोबारा खोल के ले आइए अपने स्कूल में से बाहर, घर से रख सकते हो। और जो ये ह्यूमन टॉय है, ह्यूमन टॉय आप लगा सकते हो ऐसे, ये हॉल किए हुए तीन हमारे ह्यूमन टॉय साथ में, तीन जगह आपको हॉल मिलेंगे जो कि आप ऐसे इजीली प्लेस कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। अब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया, कुछ ट्री हैं, कुछ ट्री और मिलेंगे आपको साथ में, जो कि ट्री हम लगाएंगे, ट्री आपको और भी साथ में मिलेगा। और हाँ, तो फ्रेंड देख रहे हो कि ये हमने इसके अंदर जो डेकोरेशन करना था सारा डेकोरेशन कर दी, जिस तरह आपने थंबनेल में देखी और जिस तरह हमने आपको मॉडल में दिखाया था कि पहले की इस तरह का व्यू है, तो ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। इसके अंदर जो मिसिंग है वो हमारा डैम का पार्ट रह गया, जो डैम होगा वो इस तरह से फोल्ड आपको मिलेगा ऐसे करके, तो इसको आपने ऐसे ओपन करनी है ऐसे, और ऐसे ये दो तीन पार्ट में हो गया, आप देख रहे हो ऐसे ओपन हो गया। अब जो ये है पार्ट आपका, इस पार्ट में यहाँ पे आपको गमिंग वाली डबल साइड टेप लगी हुई मिलेगी, ये वाला सारा पोर्शन में आपको ये फोल्ड किया हुआ है, और यहाँ पे आपने प्लेस करनी, जो आपको ये लकीर दिख रही है आपको, ये आपको लकीर दिख रही है, लकीर पे पेस्ट करनी है, हमने एक साइड निकाल रखा है ऑलरेडी, तो ऐसे आपको ऐसे चिपकाने हैं। अगर आपके डबल साइड टेप से प्रॉपर ना चिपके तो आप यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास हॉट ग्लू हो तो सबसे बेस्ट है, हॉट ग्लू तो तुरंत हो जाएगा सेट आपका, क्योंकि ये बड़ा मॉडल है, बड़ा सा है स्ट्रक्चर इसका, हम इसको असेंबल करके नहीं भेज सकते, नहीं तो हम असेंबल करके भेज सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे बिल्डिंग हमारा असेंबल है जैसा ईजी हो जाता है। अब इसको हम इसको सेट करके आपको दिखाते हैं कैसे इसको सेट किया हुआ, फिर आपको आगे आपको वर्किंग करके दिखाएंगे। फ्रेंड देख रहे हैं कि ये हमने इसको सेट कर दिया, थोड़ा थोड़ा मैंने अभी हॉट ग्लू लगाया है, आप जल्दी काम करने के लिए हॉट ग्लू आपके पास है तो लगा सकते हो, अदरवाइज फेविकॉल लगा के थोड़ी देर के लिए आपको सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए पूरा। और इस तरह के सेट मिलेगी आपको, जिससे ये देखिए आप ये सेट है, ठीक है। और ये सेट आप ऐसे रख सकते हो यहाँ पे फेविकॉल से, ये जो है ना इसकी बेस है, बेस भी ऐसे फोल्ड हो जाएगा आपका ऐसे करके, और यहाँ पे हल्का हल्का फेविकॉल लगा लगा के इस यहाँ पे, और यहाँ फेविकॉल लगा लगा के थोड़ा सा, और यहाँ पे ऐसे आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये रख दिया आपका, हो गया डैम का मॉडल स्ट्रक्चर तैयार पूरा, आप देख रहे हो पूरा प्रॉपर आपका डैम दिख रही है आपको, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आपने टर्बाइन है, टर्बाइन आपको टर्बाइन डबल साइड टेप से यहाँ पे चिपका सकते हो या फेविकॉल से चिपका सकते हो, ठीक है। आपको डबल साइड टेप ये इसमें मिलेंगे आप साथ में। तो अब आपका ये सेट हो गया, अब हमने पानी डालना है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो हम आपको दिखाते हैं। जैसे टर्बाइन घूम रही है यहाँ पे, आपको लाइट जल रही हो, बुझ रही हो, आपको दिख रही होगी, आपने डे है पता नहीं चल रहा, मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। तो हाँ, तो फ्रेंड देखिए कि ये हमारा मॉडल आपको, ये चीज़ हमने कंप्लीट कर दिया सारा चीज़। अब आपको इसका वर्किंग दिखाते हैं, वर्किंग यहाँ देखिए आप, टर्बाइन यहाँ पर टर्बाइन सेट करना है आपने। टर्बाइन सेट करने के बाद यहाँ पे आपने ये मैग्नेट है, देखिए ये मैग्नेट और ये मैग्नेटिक स्विच यहाँ पे जो हमने दिखाया है कि मॉडल में ऐसे ही लगेंगे, और इसको जब ये टर्बाइन पानी का फ्लो यहाँ पे आएगा और टर्बाइन जब मूव होगी तो लाइट आप देख रहे हो, ये देखिए जल बुझ रही है लाइट, ये ऐसा ही वर्किंग इसका करेगा, क्योंकि अभी डे है, मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ तो आपको ये क्लियरली नज़र नहीं आ रही होगी लाइट की, लेकिन यहाँ पे लाइट क्लियरली जल रही है, आपको देख रहे हो ये। हाँ, तो फ्रेंड बताइए कैसी लगी ये कंप्लीट प्रोजेक्ट का किट, जो कि आपको हमने शो किया सारा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसके इजी वेब में असेंबल कर सकते हो, और हमने आपको करके दिखाया और इसका वर्किंग भी दिखाया आपको। तो फ्रेंड्स बताइए कमेंट करके कैसी लगी कंप्लीट किट ये आपको, और आप ऑर्डर करना चाहते हो तो हमारे डिस्प्ले पे जो नंबर शो हो रही है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉल या फ़ोन कॉल पर, जहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और ऑल ओवर इंडिया आपको 4 से 5 दिन में कहीं पर भी मिल जाएगा ये सैम किट, आपको डिलीवर हो जाएगा पूरा वर्किंग कंडीशन में और सेफ एंड सिक्योर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।